अरे आज गुल्ला के आगर बाहु
सहत जना से सर मिस्री आपताब रसान Oi!
सुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बसे मेरे मोसका द्वारा, कर्म करो या गौश पाके कर्म कमाल तवे लाए, या गौश पाके कर्म करो कर्म कमाल तवे लाए, कर्म करो या गौश पाके कर्म कमाल तवे लाए, या गौश पाके दर्द दे ओ
कर दे असरावर कर चोरा पल बिच कुतब मीरा नल डुबिया बेरिया तार दाऊ की रोजे हसर दा बाऊ जेड़ा बॉस का नाम काफर हो कर रही है खाने खाने यार वसना अस सजदा विष्णु करिए मेरा पिया कर आया मेरा पिया कर आया हाय
hayat boyu din kar hayat boyu din hayat boyu din kar aaya khuda ne حسن العمل
कैफत जाती या रसूल मस्तरुल खैरात महबूब सिफाती या रसूल मौला या सल्ले व सल्लम दाइमन अबद मौला तकरीबन 550-600 साल के बाद अरब में एक अजीम शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम था इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपने दौर के बहुत बड़े शायर थे और बादशाहों के उमरा और रऊसा के कसीदे कसायद बयान किया करते थे। आखिरी वक्त में जब उनका उम्र तवील लंबी हुई तो बीमार हो गए, पैरालाइज हो गए। ऐसी बीमारी उनको हो गई जो लाइलाज थी, उनको एक कोने में डाल दिया गया। तो फिर उन्होंने कि आज तक मैं दुनिया के बादशाहों के लिए कलाम कहता रहा, अब मैं कायनात के बादशाह के लिए कलाम कहूंगा। और सरकार से दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, कि मेरी ये अशआर जो मैंने कहे हैं ये तकरीबन 600 अशआर हैं इस कसीदे के, जो एक ही रदीफ है जो मीम के ऊपर जाकर खत्म होती है। मीम के अलावा कोई रदीफ नहीं, सारी रदीफ मीम के खत्म होती है। तो सरकार
से अर्ज की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा कि बुशीरी सुनाओ क्या है। तो उन्होंने सुनाया तो सरकार ने पसंद फरमाया और अपनी चादर मुबारक उतार के ख्वाब में, ये 550 साल के बाद का वाक्य है, ख्वाब में अपनी चादर उतार के इमाम बुशीरी के जिस्म पे डाली तो उनकी बीमारी खत्म हो गई। और जब उनकी आंख खुली तो वो चादर उनके जिस्म पे मौजूद थी जो ख्वाब में चादर उतार, इसीलिए उन्होंने कहा कसीदा बुर्दा, बुर्दा कहते हैं चादर को अरबी में, इसीलिए ये कसीदा बुर्दा है। बहुत शुक्रिया, दुआएं खैर।